बेटी संतोषी की मौत की पीड़ा झेल रही झारखंड के कारीमाटी गांव की कोयला देवी को शुक्रवार की रात मुखिया, राशन डीलर और गांव के जेसिंग पाइक समेत 10 से 12 दबंगों ने पीट कर गांव से निकलने को मजबूर कर दिया है। इन लोगों ने कोयली पर मन मुताबिक बयान देने के लिए दबाव डाला। जब कोयली ने ऐसा करने पर इनकार कर दिया तो उन्होंने कोयली के साथ मारपीट की और धमकाने लगे। दबंगों ने कोयली के बगल में रहने वाली संतोषी की चाची को भी धमकाया। इससे दोनों बुरी तरह से डर गए। डरा सहमा यह 5 लोगों का परिवार शनिवार की सुबह गांव से प्लान कर गया। उन लोगों ने अपने एक रिश्तेदार के यहां शरण ली। जैसे ही यह मामला मीडिया में आया तो मामला गरमाने लगा। इससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। तत्काल पुलिस हरकत में आई और आनन फानन में पुलिस पीड़ित परिवार को अपनी सुरक्षा में वापस कारीमाटी ले आई। पीड़ितों द्वारा अपनी जान को खतरा बताए जाने को लेकर पुलिस ने उनके घर के बाहर 2 चौकीदार तैनात कर दिए हैं। कोयली देवी ने बताया है कि निलंबित किए गए डीलर भोलू साहू, मुखिया सुनीता डांग व गांव के जय सिंह बड़ाइक समेत कुछ लोग उससे लगातार धमकी दे रहे थे। तीनों लोग शुक्रवार की रात अन्य दबंगों के साथ उनके घर पर आधमके दबाव डालने लगे कि नेताओं व मीडिया के लोगों को बच्चे की मौत की वजह भूख नहीं बल्कि मलेरिया बताए, लेकिन कोयली देवी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यह सुनकर दबंग उग्र हो गए और घर के बर्तनों को बाहर फेंकने लगे। उनको रोकने पर कोयला देवी के साथ दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी, जिसके कारण माहौल बहुत गर्मा गया। वहीं मौके पर पहुंचे SDO जनबंगू माथा ने BDO को निर्देश दिए हैं कि वे कोयले को प्रधानमंत्री आवास आवंटित करने के लिए वरीय पदाधिकारियों को पत्र लिखे। हालांकि उन्होंने कहा है कि महिला को वर्षों पूर्व इंदिरा आवास भी आवंटित किया गया था। मौके पर पहुंचे प्रभारी सामुएल लिंडा ने बताया है कि पूरे मामले की जांच चल रही है। टीम 1 कप न्यूज।